इंडियन आर्मी ने खोज ली बहुत बड़े प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। ब्रह्मास्त्र बनकर है तैयार। मिलिट्री के इस कारनामे को हर कोई कर रहा है सलाम। चाहे पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान, ये मशीन बचाएगी लोगों की जान। ट्रायल सफल रहा, अब कई राज्यों में होने जा रहा है इस मशीन का इस्तेमाल। एक कर्नल ने ऐसा दिमाग लगाया जिसके बारे में अब तक कोई सोच नहीं पाया। इस कर्नल को कहां से आया इस मशीन को बनाने का आइडिया? इंडियन आर्मी हमारे देश की सरहदों पर तैनात रहती है। कितनी मुश्किलों का सामना भारतीय सेना करती है ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे झुलसाने वाली गर्मी हो या फिर हाड़ कपाने वाली ठंड, आर्मी के जवान हमेशा रहते हैं सीना तान। चाहे हालात कितने भी हो जाएं प्रचंड, कई बार सेना की गाड़ी हादसों का भी शिकार हो जाती है। दुर्गम रास्तों पर रोड एक्सीडेंट में कई जवानों की जान भी चली जाती है। पर अब ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेना के ही एक बहादुर सिपाही ने बहुत शानदार आविष्कार किया है। ऐसा आविष्कार जिसे सुनने के बाद आप भी करेंगे वाह वाह। जी हाँ, इस जवान का नाम है कुलदीप यादव। इन्होंने ऐसा क्या बनाया है आइए आपको बताते हैं। असल में भारतीय सेना के इस अधिकारी ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो रोड एक्सीडेंट रोकने में मददगार है। इसके कई सफल ट्रायल्स के बाद इस डिवाइस को सेना अपने मिलिट्री व्हीकल में इस्तेमाल कर रही है। अब इस एक्सीडेंट रोकने वाली डिवाइस का पेटेंट भी भारतीय सेना को मिल चुका है। यह एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। कुलदीप यादव की बनाई ये डिवाइस कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसे हर तरह के वेदर और कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस का आइडिया कर्नल कुलदीप यादव को तब आया जब वो नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री यूनिट कमांड कर रहे थे, जहां सेना मिलिट्री व्हीकल का काफी इस्तेमाल करती है और दूर दूर तक सैनिकों की तैनाती है। यहां लंबी दूरी तय करनी होती है। लंबे वक्त तक ड्राइविंग करने से कई बार ड्राइवर्स को थकान की वजह से झपकी आने लगती है, इससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आसान है। ये किसी भी व्हीकल में आसानी से लगाई और हटाई जा सकती है। ये डिवाइस ड्राइवर को मॉनिटर करती है और जैसे ही लगता है कि ड्राइवर को झपकी आ सकती है, ये बहुत तेज अलार्म बजाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाता है। इस डिवाइस को पहाड़, रेगिस्तान और हाईवे में मिलिट्री व्हीकल्स में टेस्ट किया गया। सफल परीक्षण के बाद इसे सेना के व्हीकल्स में लगाया गया है। सेना कई इलाकों में अपने व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल अभी कर भी रही है। इस डिवाइस का सिविल इस्तेमाल भी हो सकता है और ये सचमुच बहुत बड़े राहत की बात है। कई राज्य इसे अपनी बसों में इस्तेमाल करने पर विचार भी कर रहे हैं, मंथन हो रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों में इसका ट्रायल किया जो काफी सफल रहा है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।